हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर की 10 से 12 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर ये रेड चल रही है ईडी की। करीब 40 से 50 मिनट पहले ये जानकारी ईडी के अधिकारियों से मिली और ये पूरा जो मामला है दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रोसेस को लेकर है। ये आरोप लगाया गया कि नज़दीकी लोगों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया और इस मामले में बकायदा जो सीबीआई है और एसीबी है उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर ली थी। अब जब जांच आगे बढ़ी तो ये सामने आया कि किस तरह से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक मिल रहा है। जो तीन बड़े नाम अब तक सामने आए हैं, फिलहाल पहला नाम है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और दूसरा जो नाम है वो है मुख्यमंत्री के पीएस विभव। तो जाहिर है कि ये दो नाम अब तक सामने आए हैं और जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी से भी हासिल की जाएगी कि कौन कौन से और नेता हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये खुलासा हो रहा है। लगातार हम ईडी के अधिकारियों के संपर्क में भी आ रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा मामला है इसमें कहा गया है कि जब टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी तो उस दौरान गलत तरीके से अपने पहचान के लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। टेंडर की जो तकनीकी प्रक्रिया होती है उसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया और सीधे तौर पर टेंडर मुहैया करा दिया गया। तो ये है मामला। अब इस मामले में किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई इसकी जांच करने के लिए ईडी आम आदमी पार्टी नेताओं के घर छापे करने पहुंची है। आपको हम स्पष्ट कर दें कि जो कथाकथित शराब घोटाला है उसे लेकर बिल्कुल भी रेड नहीं हो रही है। ये मामला उससे जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है और ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़े हुए दिल्ली जल बोर्ड की जो टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी थी जिसे लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई थी उसे लेकर फिलहाल ये ईडी की रेड चल रही है। क्योंकि शराब नीति मामले को लेकर ही लगातार आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही थी, उसे लेकर ही मनीष सिसोदिया संजय सिंह इस वक्त जेल में है। लगातार आम आदमी पार्टी ये आशंका जता रही थी कि अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।